गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। ये रिक्वेस्ट काफी दिनों से आ रही थी, सो टुडे आई एम फाइनली गोइंग टू शेयर सम हैक्स सम टिप्स विद यू ऑल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेयर टाइप जैसा भी हो, ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि ऑयलिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो शैम्पू करने से पहले मैं एक चीज को वीक में एक बार तो फॉलो करती ही हूँ, वो है कि मैं कैस्टर ऑयल को कॉटन बॉल में डिप करके अपने स्कैल्प पर अप्लाई करती हूँ, स्पेशली जहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा हेयरफॉल होता है, जैसे फ्रंट पोर्शन में। मैं उसे वहां पर ही ज्यादातर फोकस करते हुए अप्लाई करती हूँ एंड आफ्टर 15 मिनट्स की 20 मिनट्स मैं बस शैम्पू कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। एंड उससे ही मेरे जो हेयरफॉल की प्रॉब्लम है और छोटे छोटे हेयर्स जो है वो मेरे बेबी हेयर्स यहाँ पर मुझे नजर भी आते हैं। जो कैस्टर ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड मिस्टिक लिविंग। मैं इसे प्रेफर करती हूँ जस्ट बिकॉज कि ये 100% प्योर है, इसमें कोई पैराबेन नहीं है, कोई सल्फेट, मिनरल ऑयल, कोई सिलिकॉन नहीं है, तो दैट्स वाई मैं इसे प्रेफर करती हूँ अप्लाई करना। इट्स टोटली नेचुरल, बहुत ही अफोर्डेबल है। जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत ही हेयरफॉल हो रही है और वो जगह पूरा खाली खाली हो रहा है, तो आप वहां पर बस कॉटन बॉल को डिप करके कैस्टर ऑयल में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल इज वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ और वो हेयर फॉल को भी रोकता है। एंड कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक ऑयल है, तो मैं उसे कभी भी अपने होल हेयर्स पर अप्लाई नहीं करती, सिर्फ स्कैल्प पर ही अप्लाई करती हूँ कॉटन बॉल को डिप करके। तो अगर आप अपने होल हेयर्स पर कुछ ऐसा अप्लाई करना चाहते हैं जो नॉन स्टिकी हो और बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो एंड इजीली अप्लाई कर सके एंड इजीली आपको इफेक्ट भी मिले, 15 to 20 मिनट्स आप रखें उसके बाद आप शैम्पू कर ले, देन आई ऑलवेज अप्लाई दिस मिस्टिक लिविंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सो मैं इस ऑयल को अपने होल हेयर्स के लेंथ पर अप्लाई करती हूँ एंड ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है एंड आई गेट वेरी सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर्स जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद मैं शैम्पू कर लेती हूँ 15 मिनट्स के बाद। सो दिस वन वर्क्स वेरी गुड फॉर मी एंड ये जो कैस्टर ऑयल है इसे भी मैं बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग अ डिफरेंस। यहाँ पर छोटे छोटे यू नो बेबी हेयर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं, सो आई थिंक दिस कैस्टर ऑयल इज वेरी गुड एंड ये मुझे कॉम्बो ऑफर में मिला है, दीज टू बॉटल्स, तो आई सेव्ड अ लॉट। एंड आपको जितनी भी लिंक्स एंड ऑल चाहिए सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इनफैक्ट इस ऑलिव ऑयल को मैं अपने फेस पैक पर भी इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज दिस इज टोटली पैराबेन, सिलिकॉन एंड केमिकल्स फ्री, दैट्स वाई। और कभी कभार विंटर्स में मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि मैं फेस पैक अगर इस्तेमाल करती हूँ तो और भी ड्राई हो जाती है मेरी स्किन, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को मिक्स करके अप्लाई करना पसंद करती हूँ। उससे आई गेट अ वेरी नाइस ग्लो ऑन माई फेस एंड मेरी फेस थोड़ा सा हेल्दी लुकिंग भी लगता है मुझे। तो आजकल तो मेरा ये वाला हैक मेरा फेवरेट हो चुका है, मैं हमेशा अपने फेस पैक में ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल कर करती हूँ एंड यू कैन सी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर भी लिया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए बिकॉज आई कम अप विद न्यू वीडियोज ईच एंड एवरी सिंगल डे। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय।